नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ शहर के नेहरू हॉल में गुरुवार को गधांतर सम्मान समारोह एवं कहानी पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आए राष्ट्रीय पहचान के महिला साहित्यकारों ने अपनी कहानियों का भी पाठ किया। इसके अतिरिक्त महिला लेखिकाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि नगर के नेहरू हॉल सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में नगर पालिका की अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव और साहित्यकार सोनी पांडे ने गाथांतर सम्मान 2015 पद्मश्री उषा किरण खान को, लोक साहित्य एवं आंचलिक भाषा मैथिली के संरक्षण एवं संवर्धन में विशेष योगदान के लिए गाथांतर सम्मान 2016 प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी को, हिंदी आलोचना विद्या में महत्वपूर्ण स्त्री स्वर के लिए गाथांतर सम्मान 2017 किरण सिंह को, पहले कहानी संग्रह यूसु के किले को एवं 2018 का गाथांतर सम्मान कथाकार और पत्रकार गीताश्री को उपन्यास हसीनाबाद के लिए दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रख्यात कथाकार पद्मश्री उषा किरण खान ने कहा कि सभी मातृभाषाएं आगे बढ़ेंगी तो राष्ट्रभाषा खुद मजबूत हो जाएगी। राष्ट्रभाषा के आड़े मातृभाषा नहीं आती। मैथिली लेखिका होने के बावजूद उषा किरण ने भोजपुरी भाषा की जमकर पैरवी की। उन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की श्रेणी में भोजपुरी भाषा की रचनाएं न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गाथांतर पत्रिका निकलती है और उसका बहुत सारे क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे सोनी पांडे, मृदुला मिश्र, मृदुला शुक्ल और इनकी बहुत सारी सहयोगी स्त्रियों को मैं देख रही हूँ और मुझे लगता है कि साहित्य और कला का ये एक संगम है, ऐसा देखने में ही लग रहा है, क्योंकि कलाकृतियाँ कविताओं के साथ, कथांश के साथ जो लगाई गई हैं ये बड़ी विशिष्ट जान पड़ती हैं और उसके साथ नाटकीय प्रस्तुति भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है गया चढ़ा से अब लोगों को पता चल रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पहले ये पता भी नहीं था कि अत्याचार होता है। महिलाओं को हम संदेश यही देना चाहेंगे कि अपनी सीमाओं से बिना बाहर गए भी आप सम्मान पूर्वक किसी भी अन्याय का प्रतिकार प्रतिवाद कर सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर सीमाओं के अंदर रहते हुए आप नहीं कर पाती हैं तो उसके उल्लंघन करने में भी जरा भी देर न करें।